जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीमेल अकाउंट को बनाना सीखा था कि जीमेल अकाउंट बनता कैसे है, साथ ही में हम लोगों ने देखा थीम्स कैसे लगाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि जीमेल की कुछ बेसिक फीचर्स, जैसे जीमेल में हम सिग्नेचर को कैसे ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर को कैसे ऐड करते हैं, जीमेल को हम शेड्यूल कर सकते हैं या नहीं, अगर शेड्यूल कर सकते हैं तो कैसे, ठीक है, साथ ही साथ प्रोफाइल पिक्चर जीमेल का कैसे सेट कर सकते हैं, इस तरह की तमाम छोटी छोटी सेटिंग्स। और लास्ट में हम लोगों को ये देखना है कि जीमेल के अकाउंट को अपने विंडोज के मेल एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, कि डायरेक्टली हम मेल एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो हमारा मेल ओपन हो जाए, जीमेल वाला जो फीचर है वो सारा हमारा मेल एप्लीकेशन में मिल जाए, ये चीज हम लोगों को देखना है। आइए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्राउजर पर जाना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें यहाँ से जाना है जीमेल पर, और जैसे जीमेल पर क्लिक करेंगे हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ अपने जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जो पहले से बना है, उसके बाद हम जीमेल अकाउंट का पासवर्ड लगाएंगे। तो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड हमने लगा दिया, और हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे हमारा ये जीमेल ओपन हो जाएगा। ये देखो, यहाँ कुछ चीज पूछेगा, हम बोलेंगे नॉट नाउ, यानी अभी इसकी जरूरत नहीं, ठीक। तो ये जीमेल उस दिन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग को देखना है कि यहाँ जहां पर पी आ रहा है, हमारे नाम का पहला अक्षर, यहाँ पर अपनी फोटो कैसे लगा सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पी पर, पी पर आने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन बना है, देखो पेंसिल वाला एडिट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुछ रेडीमेड पिक्चर्स पहले से दिख रहे हैं, इनमें से पिक्चर अपना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई पिक्चर हमको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम आ जाएंगे फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन तो ये है टेक ए पिक्चर, टेक ए पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे परमिशन मांगेगा कैमरा यूज करने का, आप अलाउ ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपके वेबकैम का कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक, और यहां से अपनी पिक्चर आप निकाल सकते हैं, ठीक, अपना पिक्चर। देखो हम अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो हमने किया यहाँ पर सामने ऐसे लगा लिया, क्या हुआ, क्यों हंस रहे तुम, अब पूछ रहा क्लिक एनी वेयर टू टेक ए फोटो, तो हमें अपना फोटो लेना है तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो फोटो हमारा ऑटोमेटिक उठा लेगा, आ गया, इसको हम क्रॉप कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं, देखो यहाँ से रोटेट भी हम कर सकते हैं ऐसे, ये रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से फोटो को रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से फोटो को छोटा बड़ा क्रॉप कर सकते हैं। अब ये छोटी सी जगह है, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ फुल फोटो आप लगा दें सर से लेकर पैर तक तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ चेहरे का ही फोटो लगाइए ज्यादा बेटर, और यहाँ लगा दीजिए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे करिए क्लिक, ये हो गया हमारा प्रोफाइल पिक्चर। और यहाँ पे ऑप्शन कर देना है सेव एज प्रोफाइल पिक्चर के ऑप्शन पे कर दीजिए क्लिक, तो ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर सेट हो जाएगा। अब जहां पे हमारा पी लिखा हुआ आ रहा था वहां पे हमारा क्या आएगा, पूरा का पूरा प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा, यहाँ पे कर इसको बंद। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हमारा शो होने लगा, दिख रहा है ना साइड में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फोटो हमारा यहाँ पे दिखने लगा। तो प्रोफाइल पिक्चर लगाने का ये तरीका है, आप यहाँ साइड में क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए, और यहाँ पे अगर चेंज करना है पहले से लगा है तो चेंज का ऑप्शन आएगा, चेंज करिए, चेंज करने बाद फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, फ्रॉम कंप्यूटर में दो विकल्प आपको मिल रहा है, अगर आप तुरंत फोटो लेना चाहते हैं तो टेक ए पिक्चर, और पहले से आपका फोटो आपके कंप्यूटर में है तो आप क्या करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है।
तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूछा जाएगा आपका पिक्चर कहाँ पर है, तो जहां पर भी आपका पिक्चर होगा, जैसे हमारा डी ड्राइव मान लो पिक्चर है, डी ड्राइव में हमने सर्च कर लिया डेस्कटॉप डेटा, यहाँ पे देखो एक फोल्डर हमारा बना है, नहीं इसमें तो कोड वगैरह है, इमेजेस में, हाँ चलो यहाँ हमारा पिक्चर है, तो यहाँ भी अपने पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके हम कर देंगे यहाँ से ओपन, तो ये प्रोफाइल पिक्चर हमारा यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो अगर कंप्यूटर से अपलोड करना है तो कंप्यूटर से जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है केवल उतना एरिया सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोफाइल पिक्चर। दोनों तरीका है, आप तुरंत का खींचा हुआ फोटो भी लगा सकते हैं या पुराना पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, तो ये तरीका हो गया प्रोफाइल पिक्चर सेट करने का, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर सेट करने का यही तरीका है। ठीक है, हो जाएगा प्रोफाइल पिक्चर चेंज, बताइए। राइट साइड में गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एडिट का ऑप्शन, यहाँ एडिट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से चेंज के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से अपना पिक्चर आप सेट कर लेंगे, लिखवा दें इसे कि हो जाएगा, हो जाएगा सब कंप्लीट करना, ठीक। तो ये हो गया पहला तरीका, तो पहला चीज हम लोगों ने सीखा कि हम प्रोफाइल पिक्चर कैसे सेट कर सकते हैं, एक काम हो गया। दूसरा, अब हम लोग को ये देखना है कि हम जीमेल का सिग्नेचर कैसे ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर का मतलब होता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, कौन है, जा देख लो कौन है, जा भेंट कर लो, ठीक है। सिग्नेचर का मतलब होता है आप अगर किसी को मेल भेज रहे हैं तो आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन उसको बता सके, वो कहलाता है सिग्नेचर। इससे फायदा ये रहता है कि इन केस अगर सामने वाले को आपसे कुछ पूछना है तो आपका सिग्नेचर ऐड रहेगा, आपकी डिटेल उसके पास अवेलेबल रहेगी तो आपसे पूछ लेगा। सिग्नेचर ऐड करने का तरीका क्या होता है, ये जो गियर वाला आइकन दे रखा है ना, इसे बोलते हैं सेटिंग, ठीक। सेटिंग पर आपको जाना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सी ऑल सेटिंग, आपको यहाँ पर जाना है और सी ऑल सेटिंग में आने के बाद ये देखो टैब बनाए गए, जनरल टैब, लेबल टैब, इनबॉक्स, तमाम टैब बनाए गए हैं। आपको आना जनरल में और जनरल को स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ नीचे आने के बाद और नीचे आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर और इसके सामने लिखा है नो सिग्नेचर्स, और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो जैसे क्रिएट न्यू पर हम करेंगे क्लिक, यहाँ पूछेगा सिग्नेचर नेम, तो हमने यहाँ अपना नाम लिख दिया पुष्कर और यहाँ पे कर दिया हमने क्रिएट। अब इस सिग्नेचर में जो कुछ हमें रखना है वो चीज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, इसके ऊपर कोई हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसके बाद अपना नाम लिख लिया, सिग्नेचर में जनरली यही होता है, ठीक। उसके बाद आपका पोस्ट क्या है वो पोस्ट आप लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हो गया। उसके बाद अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे या संस्था का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप देंगे +91 लगा के, ठीक। ईमेल अगर है तो ईमेल आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ठीक है, हमने ईमेल लिख लिया info@giteducation.com। वेबसाइट है तो वेबसाइट भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे www.giteducation.com। अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना है सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। किसी वर्ड को अगर आपको बड़ा करना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज लार्ज कर दीजिए ऐसे। बात समझ आ रहा ना? कोई चीज बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। किसी चीज को हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते। मान लो हमें कॉन्टेक्ट नंबर हाईलाइट करना है या अपनी कंपनी के नेम को बड़ा करना है, हमने कंपनी का नेम लार्ज कर दिया, ठीक है। उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने टेक्स्ट कलर कर दिया रेड और हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर येलो, इस तरीके से दिखने लगेगा। तो जो चेंजेस करना है चेंज कर दिया और सबसे लास्ट में जाके हमने इसको कर दिया सेव चेंजेस। बस में आया, जैसे सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे ये चेंजेस हमारा इफेक्ट हो जाएगा। इसका फायदा ये मिलेगा कभी भी अगर कंपोज मेल पे आप क्लिक करेंगे, देखो अभी यहाँ नीचे कुछ शो नहीं कर रहा है लेकिन जैसे हम सिग्नेचर को अटैच कर देंगे ये यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए हम दोबारा सेटिंग पर जाएंगे, सी ऑल सेटिंग पे जाएंगे और जहां सिग्नेचर हमने बनाया था वहां पे हम उस सिग्नेचर को ऐड कर देंगे। देखो दोनों जगह हमने सिग्नेचर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और लास्ट में आके हमने कर दिया सेव चेंजेस। इससे फायदा क्या मिलेगा, जब हम कंपोज मेल पर जाएंगे तो हमें हमारे मेल के नीचे ये लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो हम किसी को मेल भेजेंगे तो ये चीज बाय डिफॉल्ट अपने आप चला जाएगा यहाँ। अब मेल रिसीव करने वाले को अगर हमसे बात करना होगा तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, उसे हमारे मेल पर रिप्लाई करना होगा तो हमारी ईमेल आईडी भी दे रखा है, उसे ये पता चल जाएगा कि मेल किसने भेजा है, उसका पोस्ट क्या है, वो किस कंपनी में काम करता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। इसी चीज को बोला जाता है सिग्नेचर। मैं समझाया, इसका प्रोफेशनल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर कहीं पर भी आप वर्क करते हैं और आपको मेल भेजना है तो इस तरीके से अपने अब या तो बार बार हमें लिखना पड़े या तो एक बार हमने लिखकर सेव कर दिया। अब जब जब हम मेल भेजेंगे ये कंटेंट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और हर मेल के साथ अटैच होके चला जाएगा। बात समझ आ रहा ना? तो ये हो गया मेल में सिग्नेचर ऐड करने का तरीका। तो हमने दो चीज सीखा, एक जीमेल में प्रोफाइल पिक्चर सेट करना और दूसरा हमने सीखा सिग्नेचर ऐड करना। सिग्नेचर कैसे ऐड करना है पर दोबारा देखिए, हम सेटिंग पर जाएंगे, सी ऑल सेटिंग पर जाएंगे, इस जनरल टैब के भीतर जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिग्नेचर का और इस सिग्नेचर में हमारा ये सिग्नेचर यहाँ पे दिखने लगेगा। बात समझ आ रहे ना? यहाँ पे सिग्नेचर हमको दिखाई दे, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग सिग्नेचर बनाओगे, जैसे मान लो हम एक नया सिग्नेचर बना रहे हैं, हमने लिखा पुष्कर, कैसे लगा दिया, मतलब स्टूडेंट। अगर आप लोग सिग्नेचर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, यहाँ अपना लिख दोगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये कंपनियों में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर अपना नाम लिख दो क्या। अभी तो आप कहीं जॉब करते नहीं हो तो आप यहाँ लिख दोगे जीआईटी स्टूडेंट, ठीक है। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, अपना बैच कोड डाल देंगे, इससे आपकी पहचान हो, ठीक। अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे,
अभी ठीक कर दे रहे हैं। ठीक है, ईमेल भर देंगे और ये सब कुछ भरने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से क्या सेव। तो ये सिग्नेचर हमारा बन जाएगा। सिग्नेचर बनने के बाद दोबारा हमको यहीं पर जाना होता है और इस सिग्नेचर को अप्लाई करना होता है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे ना, अभी देखो ये वाला सिग्नेचर हमारा पुष्कर वाला सिग्नेचर अप्लाई है। और अगर हम यहाँ चेंज करके पुष्कर यस वाला कर देंगे तो जैसे हम कोई नया मेल क्रिएट करेंगे ये सिग्नेचर हमारा ऐड हो जाएगा। ये तरीका हुआ सिग्नेचर को ऐड करने का तरीका। ठीक है, दो चीज समझ में आ गया, प्रोफाइल पिक्चर कैसे सेट करेंगे और सिग्नेचर कैसे ऐड करेंगे। अब हम लोग को सीखना है ये मेल ऐप, ये देखो छोटा सा ये आइकन पर है ना, इसे बोलते हैं मेल ऐप। अगर आपके टास्क बार में नहीं दिखेगा तो सर्च बार में आप आइए और यहाँ पे टाइप करिए मेल, तो यहाँ आपको मिलेगा मेल ऐप। मेल एप्लीकेशन आपको विंडोज से डायरेक्टली मेल करने की सुविधा देता है। तो जैसे आप मेल पे क्लिक करेंगे ये ओपन होगा कुछ इस तरीके से। ओपन होने के बाद आपको पूछा जाएगा ऐड एन अकाउंट, आपको अपना अकाउंट ऐड करना है। तो अभी जो अकाउंट हमने बनाया था वो अकाउंट हमारा किस पर था, जीमेल पर। तो हम यहाँ गूगल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। गूगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन पूछे आएगा कनेक्टिंग इज सर्विसेज। अब यहाँ पे आपको देना है अपना ईमेल आईडी। तो ये देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी ईमेल आईडी है उसका .git2024, ये उस दिन हमने बनाना बताया। तो ये ईमेल आईडी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पासवर्ड पूछा जाएगा, हम पासवर्ड लगा देंगे अपने जीमेल का। पासवर्ड को देखना चाहेंगे तो सो पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो पासवर्ड हमारा दिखने लगेगा। ठीक, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बस में आया, अब यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यू। यहाँ पे करेंगे अलाउ, जैसे मैं अलाउ करेंगे पूछ रहा सेंडिंग योर मैसेज यूजिंग दिस नेम, किस नेम से आपको मैसेज भेजना है। हमने बोला जब मैसेज जाए तो वहां पे पुष्कर श्रीवास्तव लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे साइन इन। अब देखो, अब इसका अगर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नेट से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गेट द ऐप पे क्लिक करके, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे पूछेगा ब्राउजर, ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम मेल एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो ये जीमेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो चाहे तो आप वहाँ मेल एप्लीकेशन, इस मेल एप्लीकेशन का यूज करके करिए, और चाहे तो आप ब्राउजर पे आके यहाँ से जिस तरीके से हमने बताया इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो मेल एप्लीकेशन करता क्या है, हमको ईमेल की सुविधा देता है कि हम किसी पार्टी को मेल भेज सकते, हम किसी पर्सन को मेल भेज सके, उसकी हमको सुविधा देता है। हमारे देखो इनबॉक्स में दो मेल दिख रहा है और यहाँ जो मेल एप्लीकेशन हमने खोला है यहाँ भी देखो दो मेल दिख रहा है, तो वही मेल हमको यहाँ पे दिखेगा जो मेल हमने ओपन किया वो दिखेगा। यहाँ से अगर मेल हमको भेजना है किसी को तो हम न्यू मेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पाने वाले की मेल आईडी भरी जाएगी, यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा कंटेंट लिखा जाएगा और सेंड बटन पे क्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। जैसे मान लो कि हमें किसी को मेल भेजना छुट्टी के लिए, लीव के लिए, तो हम उसकी ईमेल आईडी यहाँ टाइप करेंगे जिसको हम मेल भेज रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट में लिखेंगे अर्जेंट लीव। अब यहाँ मैसेज लिखेंगे, हम लिखेंगे डियर सर
अगर किसी फीमेल के पास भेज रहे हैं तो लिखेंगे मैम, ठीक है। किसी जेंट्स के पास भेज रहे हैं तो सर लिखेंगे, अदरवाइज मैम लिखेंगे। फिर हम लिख देंगे वी आर सफरिंग ना फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, प्लीज अप्रूव्ड मी ए लीव फॉर टुडे। कृपया आज के लिए हमको छुट्टी देने का कष्ट करें, ठीक है। बस नीचे अपना पूरा विवरण लिख देंगे जो सिग्नेचर हमने लिखा था, और यहाँ से हम क्या करेंगे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मेल हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा सेंड हो जाएगा। बस नया जो मेल चला जाता है उसे देखने के लिए हम सेंड मेल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ये मेल चला गया इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो एक ही जीमेल का इस्तेमाल हम इस मेल एप्लीकेशन के भीतर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर पे भी कर सकते हैं। यहाँ भी सेंट मेल में देखेंगे तो ये मेल यहाँ पे दिखेगा, तो दोनों सेम है, बस दोनों को यूज करने का तरीका अलग। तो मेल एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दे रखा है कि इस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने मेल वगैरह भेजने की सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। बस गया, ये तरीका हुआ कि हम जीमेल अकाउंट को बनाते कैसे हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। अनुराधा क्या हो गया, क्या सोच रही हो, सामने बोर्ड की तरफ देखो तब तो समझ आएगा। कंसंट्रेट रहिए आप लोग, बोर्ड की तरफ देखते रहिए, हमारी बातों को ध्यान सुनते रहिए। पंखे के लिए परेशान, अरे बाप रे। अरे चलो ठीक है, कल से चला दिया जाएगा, आज बैठो रहो, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए चला दे, बाकी सबको ठंडा लगेगा ना, अभी उतना ठंड भी नहीं पड़ रहा, तुम बेहद परेशान। ध्यान समझ में आ रहा है ना बात। तो ये हुआ मेल को इस्तेमाल करने का तरीका। हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में सीखा, जीमेल में सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं, जीमेल प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगाते हैं, और मेल एप्लीकेशन को जीमेल के साथ जोड़ते कैसे। इन तीनों में अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, और नहीं आया तो पूछ लीजिए। जो स्टेप्स आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको बता देंगे, दोबारा हम बता देंगे। उतने नहीं आए थे क्या पढ़ने? अच्छा वेरी गुड। चलो इनको कह रहे हैं कि एक बार जीमेल बताना, बता दीजिए जीमेल आईडी सब कुछ बना लिया था उस दिन, सबका बन गया था ठीक, इसलिए कहते रोज पढ़ने आया करो आयुष। ये लास्ट बेंच पे सो कौन रहा है? सोनू क्या बात, देखिए जीमेल बनाना ये पूछ रहे हैं, एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जीमेल बनाने के लिए आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करिए और यहाँ लिख दीजिए जीमेल, बस इंटर करिए। ये सबसे पहली साइट खुलेगी mail.google.com, यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा यूज अनदर अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करिए, फिर ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करिए। इतना चीज पूछा जाएगा, फॉर पर्सनल यूज, फॉर माय चाइल्ड, फॉर वर्क एंड बिजनेस। हमने पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ आपको अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। ये हमको सजेशन कर रहा है कितना मेल पहले से, इतना मेल आप यूज कर सकते हैं। हमने क्रिएट वाले ऑप्शन पे गए और अपनी तरफ से कुछ मेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमने लिखा, हेलो अभी आया नहीं है, पूछ ले रहे हैं। ठीक है पूछ ले। हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट योर जीमेल एड्रेस। यहाँ बनाएंगे पुष्कर, जिस नाम से भी आपको बनाना है, हमने लिखा पुष्कर डॉट जी आई टी। अब ये आ जाओ, कहाँ थे और यहाँ लिख दिया 2024, नेक्स्ट कर दिया। ये बताएगा ऑलरेडी बना हुआ है, 2025 करके देख लेते हैं, ये खाली था बन गया। अब यहाँ पासवर्ड सेट कर देंगे, पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे, पासवर्ड में कर दिया कन्फर्म, पासवर्ड कर दिया, दोनों पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। फोन नंबर पूछा जाएगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर भर देंगे और कर देंगे नेक्स्ट। लिखा दिस फोन नंबर हैज बीन यूज टू मेनी टाइम्स, इस नंबर का इस्तेमाल कई बार किया गया, बस यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी भर के सबमिट कर देंगे, जीमेल बनके आपका तैयार हो जाएगा। अब इतना ट्राई करिए आप लोग, आज आज आप लोगों को करना क्या है, जीमेल में प्रोफाइल पिक्चर सेट करना है, जीमेल में सिग्नेचर ऐड करना है और मेल एप्लीकेशन से अपने जीमेल को ऐड करना है, हो जाएगा इतना। और लास्ट में लॉगआउट करना बहुत जरूरी है, इसलिए लास्ट में आप सारा यूज करने के बाद जीमेल को साइन आउट कर दीजिएगा। जीमेल का पासवर्ड कैसे होता है?